जय हिंद दोस्तों, टीम गौरव चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटियाला रेलवे स्टेशन के अपडेट के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के बीच में आता हूं और वीडियो लेकर आता हूं, और खासकर इसलिए पटियाला रेलवे स्टेशन के अपडेट के रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूं ताकि जो हमारे पटियाला के लोग हैं वो घर बैठे पटियाला रेलवे स्टेशन पर क्या अपडेट हो रही है उसके बारे में जान सकें। तो आइए मैं अपडेट दिखाता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात है दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, घर बैठे अपडेट लेकर आते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे और लोगों को भी पता लग सके कि पटियाला रेलवे स्टेशन पे क्या क्या अपडेट हो रही है और क्या क्या काम चल रहा है। तो दोस्तों आज अपडेट इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आज पटियाला रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा तेजी से काम हो रहा है। बहुत सी मशीनें लगी हैं जो इससे पहले पटियाला रेलवे स्टेशन पर यूज़ नहीं की गई, वो मशीन भी दिखाएंगे, और फिलहाल और कुछ नई अपडेट्स भी आ गई हैं तो वो भी दिखाते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था वीडियो में कि कुछ मशीनें ऐसी लगाई गई हैं जो इससे पहले अभी तक यूज़ में नहीं आई थी, और प्राइवेट सेक्टर में यूज़ हो रही होंगी बट अभी फ़िलहाल कुछ उसमें यूज़ में नहीं थी। बट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, थंबल में आपने देख लिया होगा ये मशीन, ये वो मोस्टली ऊँचाई के लिए या बड़ी प्राइवेट सेक्टरों में यूज़ होती है, बट आज ये यहाँ पर मंगाई गई है इसे लगाने के लिए। खासकर इसका काम ये है कि सीमेंट का जो घोल होता है, जो एक रोलर होता है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता काम है, बट इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से इसको यूज़ में लिया गया है, मतलब शो की एक बात है, इसको आज यूज़ में लिया है। अगर काम की बात बताएं तो थोड़ा काम में तेज़ी ले आई गई है। काम को लेकर मैं अगर आपको बता दूं तो जैसे कि यहाँ पर ये मशीन लगाई है, उसके पीछे भी जेसीबी लगी है, यहाँ पर भी जेसीबी लगी है, और एक और बात बताऊँ, अब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये हमारा पहला लोडिंग प्लेटफार्म था, जो अब लोडिंग नहीं होगी यहाँ पर। अब जो मालगाड़ियाँ लोडिंग होती हैं वो जो नया लोडिंग प्लेटफार्म है वहीं पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब मोस्टली जो ट्रेनें लोडिंग वाली हैं, मालगाड़ियाँ, वो अपने नए प्लेटफार्म पर ही लोडिंग हो रही हैं। और पुराने की बात करूँ तो ये पुराने आप देख सकते हैं कि सामने जेसीबी है, वो इसको तोड़ रही है, इस प्लेटफार्म को तोड़ के ख़त्म कर रही है, और आगे भी बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो आइए थोड़ा आगे चल के आपको थोड़ी और अपडेट दिखाते हैं। जो बड़ा अपडेट आप लोगों के बीच में, जो बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ, वो बड़ा अपडेट ये है कि पहले जो आपने बेस देखा था दोस्तों, खुशखबरी कि पहले आपने जो बेस देखा था उस बेस पर अब लाइन का बिछाने का जो काम है वो तकरीबन शुरू कर दिया गया है। नेट भी कस दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, 2 नंबर प्लेटफार्म के लिए जो नई रेलवे लाइन है वो अपडेट में आ चुकी है, और नवी रेलवे लाइन बिछा दी गई है, वो आप लोग देख ही रहे हैं। और साथ में बात करें जो 2 नंबर प्लेटफार्म के लिए खंभे की जो तारों के लिए जो कनेक्शन दिए जाने हैं वो भी ऑलमोस्ट लगा दिए गए, वो आप देख सकते हैं कंटिन्यू बिछाए गए हैं। तो जो ये अपडेट है आप सभी के बीच में, मैं लेटेस्ट अपडेट है जो आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। तो साथ में दोस्तों जैसा कि मैं और अपडेट जो कह रहा था, प्लेटफार्म लोडिंग जो प्लेटफार्म है उसको जो तोड़ दिया जा रहा है, वो आप देखिए, ये तोड़ दिया जा रहा है लोडिंग प्लेटफार्म। आप लोग देख ही सकते हैं कि दोस्तों देखिए कैसे इसको लोडिंग प्लेटफार्म को तोड़ के इसको आगे की जो लाइनें हैं जो इस तरफ बिछानी है, वो लाइनों का काम इस पे बहुत तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर एंड करने की बात करें तो अब इससे आगे की जो अगली अपडेट होगी तो मैं आप लोगों के बीच में जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इतनी अपडेट है जो मैंने आप लोगों को दिखा दी, वो लेटेस्ट अपडेट थी, और जैसा ही आगे कुछ नया अपडेट में आएगा, कुछ नई समय सुनने में मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जो पहले बोला था वो फिर से बोलूँगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें पटियाला की नई अपडेट। जय हिंद।